हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक और ज़बरदस्त रेसिपी, मूंग दाल हलवा। ये वो रेसिपी है जिसके लिए आपको शादियों का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट, आपको शादियों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जब मन करे तब आप इसे फटाफट से बनाकर खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। देखिए, वैसे तो मूंग दाल हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपका मूंग दाल हलवा। अगर आप दाल भिगोकर बनाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम आजकल कोई भी कुकिंग में लगाना नहीं चाहता है। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ईजी मूंग दाल हलवे की रेसिपी, और ये कम से कम 1/2 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल हलवा बिना भिगोए फटाफट से, और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फिर बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मूंग दाल को धो लेना है। यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी मूंग दाल, 200 से 250 ग्राम के करीब है ये। 3 से 4 बार इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद एक छलनी में इसका सारा पानी निचोड़ने तक इसे छलनी में रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट इसे भिगो सकते हैं। इतना सफ़र तो हर कोई कर सकता है, तो अगर मेरी माने 10 से 15 मिनट इसे भिगो दे तो अच्छा रहेगा। ओवरनाइट आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब इसका सारा पानी निचुड़ जाएगा तब हम इसे भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिना घी के। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक दाल में पानी है, मॉइस्चर है, तब तक हम तेज़ आँच पर इसे भूनेंगे। और जैसे ही दाल थोड़ी सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तब हम गैस धीमी कर देंगे। और फिर जब तक इस पर एक जैसा इवन कलर ना आ जाए, सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, तब तक हम इस दाल को धीमी आंच पर भूनेंगे। और जब इस पर अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट में जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, थोड़ा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। लेकिन एकदम पाउडर नहीं करना है इसे हमें। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल को पीस लिया है। मैं इसे एक बार छान लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बारीक दाने मिल जाएंगे। आप चाहें तो मोटे दाने भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको छान रही हूँ और वापस से जो मोटे दाने उनको एक बार फिर से पीस लूँगी। तो यहाँ पे मूंग दाल पीस चुकी है। अब बस हमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना है, बस इसे हम घी डालकर भूनेंगे। और क्योंकि ये पहले से ही भुनी हुई है तो इसमें बिल्कुल कम टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह भुन जाएगी। धीमी आंच पर भूनना है, लेकिन ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम पहले घी डाल लेते हैं कढ़ाई में, और इसमें अब हम मूंग दाल को भूनेंगे। और मूंग दाल हलवे के लिए इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी बिल्कुल सिंपल है। जितनी हम दाल लेंगे उतना ही हमें कम से कम इसमें घी यूज़ करना है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और जितनी दाल है उतनी ही हमें चीनी लेनी है, और जितनी हम दाल लेंगे उससे 2 गुना हमें इसमें लिक्विड यानी कि पानी या दूध, जो आपका मन करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूध और पानी दोनों भी आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट और केसर या इलायची पाउडर आप अपनी मर्जी से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं, या फिर जितनी आपकी दाल है एक बार में ही उतना घी आप इसमें डाल दीजिए। और ये देखिए, इस तरह आपको घी मूंग दाल के ऊपर तैरते हुए नज़र आना चाहिए, तो समझिए परफेक्ट है ये। वैसे तो दाल भिगोकर बनाया हुआ हलवा बहुत ही पौष्टिक होता है, लेकिन उसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और कई बार लोगों से हैंडल नहीं होता है, क्योंकि वो तले में बहुत ज़्यादा चिपकता है जब आप उसे भूनते हैं तो। लेकिन इस तरीके से जब आप दाल का हलवा बनाएंगे तो वो तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और बहुत ही आसानी से 25 से 30 मिनट में ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो जब तक दाल भुनेगी, यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट साथ में काट लेते हैं। तो मेरे पास है कुछ काजू, पिस्ता, बादाम, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मूंग दाल हलवे में मुझे चेरी का, टूटी फ्रूटी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, वो डाल दीजिए अगर आपके पास है तो। किशमिश डाल सकते हैं आप। तो इसे हम काट लेंगे और साथ साथ दाल को भी चलाते रहेंगे ताकि इस पर इवन कलर आए, एक जैसा एक समान कलर आए। तो ड्राई फ्रूट हमारा कट चुका है और दाल भी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो इसके लिए हम
चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पे दूसरे गैस पे हम साथ में ही पानी चढ़ा देंगे। जिस कटोरी से मैंने दाल भिगोई थी उसी कटोरी से मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ, और उसी सेम कटोरी से मैंने 1 कटोरी यहाँ पे चीनी डाली है, और इसी के साथ यहाँ पे 2 चुटकी यहाँ पे मैंने सैफ्रन डाला है। आप इलायची या सैफ्रन जो मौजूद हो वो डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए और खुशबू के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है दाल पर, क्योंकि ये दाल हमने पहले ही भून रखी थी। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 चम्मच सूजी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सूजी या सेमोलिना। इससे हमारे हलवे में एक माइल्ड सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि दालों में होता है प्रोटीन और उसे जब हम भूनते हैं तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है। मुझे बहुत पसंद है मूंग दाल हलवा, लेकिन कई लोगों को सूजी का हलवा पसंद होता है तो वो मूंग दाल हलवे में भी उसी का फ्लेवर ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप इसमें 1 या 2 चम्मच सूजी डाल दें। बाकी जो मूंग दाल हलवे के फ़ैन हैं तो आप सिर्फ मूंग दाल से बना सकते हैं ये रेसिपी। तो ऑल मूंग दाल हलवा लवर्स, ये रेसिपी आपके लिए है। आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, नो डाउट। तो सूजी जल्दी भुन जाएगी, इसे बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा अभी भुनने में। तो यहाँ पे सूजी और दाल दोनों बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो दाल भी भुन चुकी है और यहाँ पे हमारा चाशनी का पानी भी तैयार है। तो इसमें धीरे धीरे करके ये पानी हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये एकदम से ऊपर उछल के आएगा पानी। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए घुमाते हुए भूनना है धीमी आंच पर, और जितना इसे भूनते जाएंगे उतना ही ये दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो इसमें 1/2 या 1 गिलास दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास के करीब इसमें दूध डाल रही हूँ, और अब इसे हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। जितना अब इसे हम भूनेंगे उतना ही इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया होता जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसे भूनते हुए हो गए हैं। थोड़ा सा घी इसमें मैं और डाल रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल शादियों वाला या जो मार्केट में मिलता है बिल्कुल जिसके ऊपर घी तैरता है वो हलवा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं घी। मैंने यहाँ पे जितनी दाल ली थी उतना ही घी डाला है। तो हलवा लगभग तैयार है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और अच्छी तरह मिला देंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसे भूनते हुए हो गए हैं, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हलवा तैयार हुआ है। अब आप इस हलवे का टेक्सचर देखिए, ये देखिए बिल्कुल तली में आराम से घूम रहा है ये, इसने पैन छोड़ दिया है हलवे ने, बिल्कुल आसानी से कढ़ाई में घूम रहा है ये। अब इस स्टेज पर आकर आप एक गैस ऑफ कर सकते हैं, या चाहे तो 2 से 3 मिनट इसे और भून सकते हैं। जितना भूनेंगे उतना ही दानेदार आपका हलवा तैयार होगा। अगर आप थोड़ा देर में यूज़ करना चाहते हैं या अगले दिन यूज़ करना चाहते हैं तो इसे इसी स्टेज पर बंद कर दीजिए, और जब आप इसे इस्तेमाल में लेंगे तब आप इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। और अगर आप तुरंत सर्व करना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से और भून लें 5 मिनट के लिए। तो मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, मैं इसे यहीं पे बंद कर रही हूँ क्योंकि हम इसे अभी नहीं खाने वाले हैं। तो आप चाहे तो ये इस वक्त रेडी है, आप चाहे तो बिना मावे के इसको खा सकते हैं। अगर किसी को बिना मावे के हलवा पसंद है तो आप ऐसा निकाल दीजिए और बाद में उस पर मावा डाल दीजिए। तो यहाँ मैं इसमें मावा डाल रही हूँ, 100 से 150 ग्राम यहाँ पे मैं इसमें मावा डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और बस तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी मूंग दाल हलवा। करीब 1/2 घंटे में ही हमारा हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी हलवा बना था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और मूंग दाल हलवे को खाने के लिए शादियों का इंतज़ार मत करिए। मेरी रेसिपी देखिए और तुरंत इसे बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। और मैं चलती हूँ, एक बार फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।